हेलो एवरीवन, दिस इज हिताक्षी पंड्या। आप सभी का स्वागत है मेरे इस पेज पे, मेरी इस वॉल पे। और आजकल जो ये पिछले 2 महीने से एक शब्द जो सभी के जहन में घुस चुका है, सारे बच्चे जो हैं उसकी जुबान पे ये शब्द चढ़ चुका है, वो शब्द है लॉकडाउन। अब लॉकडाउन ने हमें अपनी केयर के लिए एक ऐसी जिंदगी दी है जहां हम पीछे मुड़ के भी देख पाए कि हमने अब तक अपनी जिंदगी में किया क्या, या हम हमारे आगे के हमारे फ्यूचर को प्लान कर पाए। तो ये ऐसा समय पीरियड, ये टाइम पीरियड हमें मिला है, हम इसका यूटिलाइजेशन किस तरह से करते हैं ये हम पे है। खैर, जब समय की बात आती है, यूटिलाइजेशन की बात आती है, तो मेरे जहन में सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं वो है स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन जो है उन लोगों को अपनी फिटनेस पे, स्पोर्ट्स जैसे बोल सकते हैं कि एक आदत है, कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स इज नॉट अ गेम फॉर स्पोर्ट्स पीपल, इट इज अ हैबिट। क्योंकि अगर आपने स्पोर्ट्स को एक हैबिट में ढाला नहीं, आपकी जिंदगी में, आपके ढांचे में, जीवन के ढाला नहीं, तो आप स्पोर्ट्स में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो डेली एक पर्टिकुलर रेजिम आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। तो मेरे साथ ऐसे दो स्पोर्ट्स पर्सन, स्पेशली स्पोर्ट्स वुमेन जुड़ी हैं। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करना चाहूंगी। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ी हैं रूपाली। रूपाले, रूपाली वेलकम। शी इज मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन कम से कम शब्दों में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको हम ज्यादा सुन पाए। तो शी इज द यंगेस्ट गर्ल हु हैज अचीव्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ स्विमिंग 7 seas, मस्ट बी समवेयर अराउंड 16 इयर्स ऑफ एज। आई मीन, क्लैप फॉर हर, इट वॉज अ प्राउड मोमेंट। And definitely, it was and it is a proud moment even for us. उनको इस उनके अचीवमेंट के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सागर कन्या का और न्यूजीलैंड सरकार ने डॉल्फिन क्वीन का खिताब दिया हुआ है। अकेडमी भी चला रही है जहाँ पे वो बच्चों को ट्रेन करती है और बहुत सारे अच्छे अच्छे एस स्विमर को भी ट्रेन करती है। और मेरे साथ तो वेलकम रूपाली, आपका स्वागत है। हेलो हिताक्षी। हाय। और मेरे साथ है दूसरी एक ऐसी ही प्रतिभाशाली शख्सियत, वंदना टंडन। वंदना जी शिक्षिका के तौर पर डॉन बॉस्को स्कूल से जुड़ी हुई है, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी लगन को, अपनी अपनी शौक को लगन के साथ इस तरह से जोड़ा कि वो उसने मुकाम हासिल करती गई। उनकी जो दौड़ने की पैशन है उसमें उन्होंने धीरे धीरे लेकर कितने आज आगे बढ़ चुकी है कि वो 6 races में एज अ ब्रांड एम्बेसडर जुड़ी हुई हैं। साथ में कई सारे रेसेस में पेसर के तौर पर वो दौड़ती रहती हैं। और अभी जो फिलहाल दिसंबर 19 में मुंबई पुणे रन हुआ था, 100 miles का रन हुआ था, उनको भी उन्होंने सक्सेसफुली पार किया है। तो आप दोनों प्रतिभाओं का फिर से एक बार स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आप दोनों से एक ही सवाल करना चाहूंगी कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है, आप दोनों जो है आउटडोर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, तो इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपना वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कैसे मेंटेन करती हैं, आपकी फिटनेस कैसे मेंटेन करती हैं? सो रूपाली, यू आर गोइंग टू गिव और शैल आई गिव? यू कैन स्टार्ट। या यू कैन स्टार्ट। सो एज वी ऑल नो, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। So every day I have given target to myself, complete within 1 week 40 kilometers. So normally when lockdown was not there, we used to do weekly 70 kilometers per week. But per week. As our runner mentor, they are not allowing us to do inside the house because we have to run in the loops. So loops are not advisable in the house. So okay, 70, not 70, but 40. So 40 kilometers I complete every week. So every it week. Will be every week. And then for my core, I am working on my core, which I was not able to do while working this. So core exercise, 50 minutes every day I give to myself. So that I am doing. And I am very happy to complete these all things. Rupali? So, what I do is obviously we हम लोग तो पानी में नहीं जा सकते अभी लॉकडाउन में, और वो फैसिलिटी तो बंद ही है। तो जनरली हम बहुत सारे वर्कआउट्स करते हैं, बच्चे भी करते हैं, ऑनलाइन वर्कआउट्स ले रहे हैं हम बच्चों का भी। अच्छा। और मैं खुद भी कर लेती हूँ, और ऐसे भी the mates are not available, so obviously we are having lot of work otherwise also।
But then I'm trying to utilize this time in whatever I could not do otherwise. क्योंकि हम लोग इतने busy रहते हैं competitions को लेके, बच्चों के training को लेके, बाकी काम को लेके, तो I feel that's a wonderful opportunity to spend time, do all that otherwise was pending. तो वो सारी चीजें मैं अब कर रही हूँ. हाउस आई डू नॉट लाइक दैट शॉर्ट कोर्स रनिंग मुझे वो बट आई मेक किड्स डू आई डू लॉट ऑफ डायनामिक वर्कआउट फंक्शनल ट्रेनिंग इसे सब करती हूँ obviously core is the major part of the workout. Yeah, that's true. आप दोनों को कभी ऐसा मन नहीं करता है जैसे हम जैसे लोग हैं सुबह उठते हैं हम तय करके उठते हैं कि नहीं नहीं आज तो वर्कआउट करना ही है कैसे भी करके जैसे सुबह आंख खुली बाहर दिखा रहे अभी तो अंधेरा है सो जाते हैं थोड़ी देर बाद उठते पर ना कल से ही कर लेते कभी ये लॉकडाउन पीरियड है बिकॉज दिस इज अ लिटिल यू नो ये कि हाँ चलो हमारे पास थोड़ा सा समय है मोदी जी ने समय दे रखा है हमें तो आपको कभी ये ख्याल ये लेजीनेस आपके अंदर नहीं आया कि नहीं निकल जाते समटाइम इट हैपेंस बट इनसाइड सम वॉइस कम्स नो यू हैव टू डू इफ यू डू दिस देन इट विल बी यू विल फील हैप्पी सो ओके लेट इट बी वो चीज छोड़ो और अपना काम शुरू करो सो या थोड़ा करती हूँ या कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हो गया प्रीवियस डे या वर्कलोड ज्यादा रहा होगा घर के अंदर सिंस आई हैव अ स्मॉल डॉटर ऑल्सो तो ये सारा चीजों को लेके अगर स्ट्रेसफुल रहा होगा या उनकी तबीयत ठीक नहीं है ऐसे कुछ है तो देन आई डू लेस लेकिन आई एंश्योर दैट आई डू समथिंग बट हां दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू कि आई डू वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है हम जैसे लोग होते हैं तो वहां पे डू नहीं आई डोंट आ जाता है सो दैट इज वन थिंग एंड दैट इज एक्चुअली द थिंग कि आपको मोटिवेशन विद इन फ्रॉम विद इन इट कम्स कि नहीं नहीं करना तो है किसी भी तरह से एंड दैट गिव्स यू द पीस आई थिंक दैट इज द इनर वॉइस इज योर पीस एंड द हैप्पीनेस दैट helps you to motivate yourself. Now coming to next thing, कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जैसे वंदना क्या भी पूरा एक ग्रुप है जो जिनको वो मोटिवेट करती रहती है रनिंग के लिए स्विमिंग रूपाली आप तो पूरी एकेडमी ही चलाते हो उनमें कई हाँ उनमें कई सारे कोचेज भी हैं तो डोंट यू हाउ डू मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए आपके पास डबल मोटिवेशन होना चाहिए तो हाउ डू यू कीप देम अप टू दैट जॉब अभी लॉकडाउन है तो वो सारे बच्चों के लिए सारे स्विमर्स के लिए सारे कोचेस के लिए है तो उसमें वी हैव टू एंश्योर दैट वो कुछ तो करे अगर हम छोड़ दे तो दे आर हैप्पी विद देयर ओन लाइफ तो हम लोग इंश्योर करते हैं दैट देयर ट्रेनिंग एवरी डे एट होम वी गिव वर्कआउट ऑनलाइन सेशन लेते हैं करा के लेते हैं जो नहीं ऑनलाइन पे नहीं हो सकता है ऐसे कुछ वर्कआउट से तो वो लोग को भेजते हैं वी आस्क द पेरेंट्स टू सेंड अस वीडियो सो दैट वी कैन चेक वी आर ट्राइंग ऑल दिस मेथड्स दो इट इज नॉट उतना नहीं हो पाता है जितना अदरवाइज वो लोग करते हैं लेकिन दे आर डूइंग एंड दैट वे इवन आई एम हैप्पी दैट समथिंग इज हैपनिंग एंड आई एम श्योर इवन द पेरेंट्स एंड द किड्स आर हैप्पी कि कुछ तो कर रहे हैं Actually, and then when you meet them after this lockdown, they'll be having certain kind of fitness that you wanted to, yes. you know, pursue that is further. What I want. That is what I want. ऐसा ना हो कि वो एकदम ही out of place हो जाए. वंदना, आप कैसे motivate करते हो? So, we give challenge to each other, like 2 minutes planks, 300 crunches, how you will do 300 crunches within this time limit or So these type of challenges we will give to each other. So I also will take part in that. We do that, and then I have created some video for my friends. So I have given to them. Okay, do this workout that it will be better for you. And just
not 40 kilometers you should run, but yes, within 5 kilometer or something, you can increase every day 1 kilometer inside the house if you can. So they are doing also, you are doing also, and few are just thinking like you, we will do from tomorrow. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. और अब मुझे लगता है कि जिस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, अपने ग्रुप्स को मोटिवेट करते हो, हाउ वुड यू लाइक टू मोटिवेट द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस और हु आर वाचिंग दिस वीडियो? आई फील दैट पीपल हैव टू टेक अपॉर्चुनिटी. आई एम श्योर दिस इज अ वेरी स्ट्रेसफुल पीरियड. वो 8-10 दिन का था तब तक पीपल वर ओके, दे फेल्ट कि वो ब्रेक है, वेकेशन है, तो हम लोग एंजॉय कर लेते हैं फैमिली टाइम वगैरह. बट नाउ इट इज बिकमिंग अ नेवर एंडिंग थिंग. तो अभी स्ट्रेस बढ़ रहा है. आई एम श्योर विद एडल्ट्स इट मस्ट बी इंक्रीजिंग, क्योंकि स्कूल्स कब शुरू होगा, होगा नहीं होगा, फैसिलिटीज कब ओपन होगी, व्हेन वी विल बी एबल टू सेफली गो आउट, इवन रिलेटेड टू वर्क पीपल मस्ट बी स्ट्रेस्ड. बट देन वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज इट एंड दिस इज फॉर एवरीबडी. Everybody is in this situation. It's not just you or it's just not me. Everybody is in this situation. Almost the entire world is facing this situation. So the best is that we have to think what best we can do in this scenario. Yeah. You have to analyze. And based on that, maybe we have some yearly plan, we have half yearly plan related to family, travel, work, lot of things we must have plan, and everything has gone haywire. So you have to make a new plan now, taking into consideration the current situation. If we start dropping our morale, then it's going to be difficult, because this is not going to end immediately. So we have to keep our morale high and go by the flow. That's true. Vandana, aap kya kehna chahengi? So I am totally agree with Rupali, but the thing is that I feel somewhere positivity should be there. So I just give to them positive, be positive, because agar acche din nahi rehte hain to kharab din bhi nahi rehte hain. So ye din bhi jayenge aur fir se hum log azad hokar bahar aayenge aur karenge. Usse pehle hum log kya kare, vyayam kare, ghar mein rahe और सुरक्षित रहें, बस और क्या. ये बात तो सच है. वैसे मैं इसे अच्छे दिन या बुरे दिनों के कंपैरिजन से ज्यादा ये मानती हूँ कि ये जो पॉज मिला है ना, बहुत जरूरी पॉज था. वातावरण, नेचर भी हमसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है कि अब रुको, जरा सोचो मेरे बारे में भी आपको सोचने की जरूरत है, और खुद के बारे में भी सोचो कि कहां तुम जा रहे हो और कहां मुझे लेकर के जा रहे हो. मदर अर्थ इज सेइंग समथिंग टू अस. ये इंटरव्यू देख के मुझे लगता है कि एटलीस्ट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसा फील करते होंगे मेरे जैसे, जो कल से शुरू करना चाहते हैं वो आज से शुरू करेंगे अपने वर्कआउट्स इन रियल सेंस. थैंक यू हितांशी टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. थैंक यू बोथ ऑफ यू. Thank you both of you, in fact. And ये मेरे लिए गर्व की बात है कि इतनी महान शख्सियत मेरे मित्र हैं. ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. ज्यादा हो गया? नहीं, ज्यादा नहीं. It is true. So thank you and thank you for being with me.